हाँ जी, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे थे, उसी को भी कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोगों के पास में तीन इक्वेशन मिल गए थे। एक इक्वेशन तो ये वाला, एक इक्वेशन ये मिला था अपने को और एक इक्वेशन ये मिला था। अब इसको लेग्रेंज मेथड होता है, लेग्रेंज मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तीन इक्वेशन था, एक तो ये था, एक ये था। इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि तीनों को पास पास में। अभी इन पे जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ लेग्रांज मेथड, उससे सोल्व करेंगे इसको। हाँ देखो लेग्रांज मेथड कैसे है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 1 है, 3 है। लेग्रांज मेथड कैसे काम में लेंगे, एक मैं इसमें लिखूँ क्या। थर्ड इक्वेशन क्या है, समेशन डेल्टा एन आई ऐसा है। ये तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। ये तीन इक्वेशन है अपने पास। लेग्रांज मेथड से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इस सेकेंड इक्वेशन को कोई कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, डेल्टा एन आई ई आई। अरे इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, माइनस, सॉरी दोबारा देखो इसको। इक्वेशन 1 में से मैं माइनस कर रहा हूं क्या, अल्फा इंटू इक्वेशन 2 माइनस बीटा इंटू इक्वेशन 3, ये कर रहा हूं। ये करने से देखो क्या मिलता है अपने को। लेफ्ट साइड में तो सब जीरो 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 है, तो 0 माइनस अल्फा इंटू 0 माइनस बीटा, तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो जीरो हो जाएगा। राइट साइड में देखो इक्वेशन 1, ये डेल्टा एन आई समेशन एल एन जी आई प्लस एन आई माइनस एल एन एन आई। आगे देखिए राइट साइड में माइनस अल्फा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके, ये रहा इक्वेशन, तो माइनस अल्फा समेशन डेल्टा एन आई ई आई। फिर थर्ड में माइनस बीटा इंटू दिस वन, माइनस बीटा समेशन डेल्टा एन आई, ये मिल गया। अब देखिए जो तीनों टर्म है, पहला टर्म है ये, दूसरा टर्म है ये, तीसरा टर्म है ये, तीनों में क्या है, समेशन तो आ रहा है, तो समेशन तो मैं ले लेता हूं कॉमन। दूसरा डेल्टा एन आई, डेल्टा एन आई, डेल्टा एन आई तीनों में है ना, तो डेल्टा एन आई भी मैं ले लेता हूं बाहर। अब इसमें क्या बचा, एल एन जी आई प्लस एन आई माइनस एल एन एन आई, इसमें बचा अल्फा, ये अल्फा तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाए, अल्फा ई आई माइनस बीटा बच गया इसमें, ये बच गया। ये किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। ये जो सारा सब कुछ है किसके बराबर जा रहा है, जीरो के बराबर है। मैं इसको इधर लिख दूँ तो जीरो के बराबर है ये, ठीक है। अब ये अगर जीरो के बराबर है तो क्या होने वाला है, अगर ये जीरो के बराबर है तो क्या होने वाला है, ये मल्टीप्लाई दिस वन। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो रहे हो रहे, कुछ पार्टिकल इधर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल उधर जा रहे हैं, तो डेल्टा एन आई तो है ना वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो ये जीरो के बराबर हो उसके लिए कौन जीरो होगा, ये जीरो हो रहा है एक तरीके से, ये समझो। तो ये जीरो हो रहा है, तो ये एल एन जी आई प्लस एन आई माइनस एल एन एन आई माइनस अल्फा ई आई माइनस बीटा, ये क्या हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है, ठीक है, ये जीरो के बराबर है। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको इसको और इसको, इनको तो ऐसे लिख देता हूँ, एल एन जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई, ऐसे हो जाएगा ये तो। और इन दोनों को उधर भेज देता हूँ, अल्फा ई आई प्लस बीटा, ठीक है। देखो एक चीज चेंज करते हैं अपन, बीटा एक चीज चेंज करते हैं। क्या मैंने इसको अल्फा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इसको बीटा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर किया है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, इसको बीटा से कर रहा हूँ, इसको अल्फा से कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो सेटअप लेके आना है उसमें बीटा ई के साथ में है, बीटा ई के साथ में है, तो बीटा को ई के साथ वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो
अल्फा की जगह बीटा कर दो, बीटा की जगह अल्फा कर दो, यहाँ पे बीटा कर दो, यहाँ पे अल्फा कर दो, यहाँ पे बीटा कर दो, यहाँ पे अल्फा कर दो, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो लेके आ रहे हैं उसमें ई के साथ में बीटा है, तो कांस्टेंट है, तो हम लोगों को तो कांस्टेंट किसी से कोई मल्टीप्लाई कर दो वो फॉर्मेट लेके आना है। तो ऐसे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को जो फॉर्मेट लेके आना है, जो ऊपर लिखा है उस टाइप का फॉर्मेट लेके आना है, तो हम लोगों को उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर बीटा ई आई के साथ में है, तो हम लोग भी यहाँ पे बीटा ई आई के साथ में रखेंगे, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब देखिए ये है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेंगे तो ये बच जाएगा जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई, इधर बच जाएगा बीटा ई आई प्लस अल्फा, और इसमें डिवाइड करूंगा तो ये जी आई अपॉन एन आई बचेगा, प्लस एन आई पे एन आई वन बच जाएगा इसमें बी। हाँ, ये इधर एंटी लॉग लूंगा तो ई की पावर में चला जाएगा ना ये, तो ये ई की पावर में है ये सब कुछ। तो ये जो है इसमें ऐसे लिख देता हूँ मैं, पहले ई की पावर में क्या है, अल्फा है प्लस बीटा ई आई है, अल्फा को पहले लिख दिया। ये वन जो है ये वन भी उधर चला जाएगा, वन भी इधर आ गया, ठीक है। तो ये बच गया क्या, अगर मुझे एन आई चाहिए तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, उधर इसको ले जाऊँ, तो एन आई क्या मिलेगा, जी आई अपॉन दिस वन e टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस वन, ये है, क्लियर है। तो ये चीज मिल रही है मुझे एन आई का वैल्यू, समझ आई बात, ये एन आई का वैल्यू मिल गया, और यही तो हम लोगों को कैलकुलेट करना था। हाँ, इसका दूसरा फॉर्म भी तो था, दूसरा फॉर्म ये था कि हम लोग एन आई इक्वल टू, एक सेकेंड, एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन, इसको ऐसे लिख रहे थे ना, ई टू पावर अल्फा ई टू पावर बीटा ई आई माइनस वन, तो ई टू पावर अल्फा को कॉन्स्टेंट ए भी लिख सकते हैं, तो एन आई क्या मिलेगा, जी आई अपॉन ए ई टू पावर बीटा ई आई माइनस वन, ये मिल गया। यही फाइंड आउट करना था, ये है क्या, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बोस आइंस्टाइन वितरण फलन आ गया। तो इसके लिए अपने को इतने पापड़ बेलने पड़े हैं, ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन हो गया। सेम डेरिवेशन फर्मी डिराक के लिए करना पड़ेगा, सेम इट मतलब हर चीज़ उसी तरीके से होगी, इसमें डिफरेंस ये आएगा कि इसमें जो डब्ल्यू आई का जो वैल्यू था ना, जी आई प्लस एन आई, बस वो डिफरेंट होगा, वो अलग होगा नेक्स्ट वाले में, बाकी का सब उसी तरीके से करना पड़ेगा। फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, फिर ln को ओपन करेंगे, स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इस तरीके से तीन इक्वेशन आएंगे, उन तीनों इक्वेशन को इसी तरीके से बीटा और अल्फा से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, और सारा प्रोसीजर एज इट इज लगेगा। बस वो इक्वेशन में कुछ कुछ चीज़ें टर्म्स चेंज होंगे, क्योंकि wi चेंज होगा, तो wi चेंज होगा तो फाइनली ये फॉर्म भी यहाँ पे प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी की सारी चीज़ें सेम चलती रहेगी, समझ आया। तो हमने अभी इसमें क्या किया है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि दिमाग में रहे। तीनों इक्वेशन आए थे, तीनों इक्वेशन को सोल्व करने का हम लोगों ने जो तरीका अपनाया है वो तरीका कौन सा है, लैग्रांज मेथड है। अब लैग्रांज मेथड है, आपने कभी सीखा नहीं है ये, लेकिन देखो देख लो, मैथमेटिक्स में भी आता है कई जगह पे ये, लेकिन फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन आता है। क्या करते हैं, जैसे एक इक्वेशन है, बाकी के जो दोनों इक्वेशन है उनको किसी ना किसी एक फैक्टर से कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। देखो तो एक इक्वेशन से दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। अब मुझे पहले मैंने यहाँ पे अल्फा कर दिया था, यहाँ पे बीटा कर दिया था, लेकिन जो अपना एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें ई के साथ में आता है बीटा, तो फिर मैंने भी इसको चेंज किया फिर बाद में जैसे किया है, तो इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके इसको अल्फा से, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसको इससे कर दिया, इसको इससे, तो ये माइनस करने पर ये फाइनली लेफ्ट साइड में जीरो मिल रहा है और फाइनली इधर ये मिला। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसमें डेल एन आई तो जीरो नहीं हो सकता, डेल एन आई का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं कि नहीं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट है ही नहीं ना पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, तो वो तो चेंज हो ही रहे हैं, तो वो चेंज हो रहे हैं इसका मतलब वो जीरो नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है तो जीरो ये है, इसकी वजह से जीरो हो रहा है ये, तो इसकी वजह से जीरो होगा, तो ये जीरो है, और ये फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली एंटी लॉग लेके ये मिल गया अपने को। तो ये अपने को क्या मिला, बोस आइंस्टाइन फॉर्मूला मिल गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट एक लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वो भी करीबन 2 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला शायद। ठीक है, ओके।